पे सेक्टर 50 गुरुग्राम में है। यहाँ पे एनजीओ न्याय की टीम भी है और आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन आशा है। जहाँ पे हम लोग आए हैं, कमला कमाकर एक लड़की थी जो सेक्टर 49 में गुरुग्राम में जॉब करती थी। उसने सुसाइड किया। अब सुसाइड कमिट किया है या उसका मर्डर हुआ है ये अभी हमें पता नहीं है, पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन करेगी। उसके रिगार्डिंग हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। पुलिस ने विदाउट हमारे इंटीमेशन किए हुए उसका क्रिमिनेशन कर दिया। ये उसकी सिस्टर है, इनको भी इंटीमेट नहीं किया था, इनके फादर को भी इंटीमेट नहीं किया था। और उसमें न्यूज़ भी गलत थी, जो इसमें सुसाइड अटेम्प्ट हुआ उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन दी गई वो 46 सेक्टर की थी, जबकि लड़की जो है 49 सेक्टर गुड़गांव में ही रहती थी। और उसे ये भी शो किया गया कि वो रेंटेड प्रोमाइसिस पे रहती थी, जबकि वो ऑनर के साथ ही रहती थी। 24 आवर्स के लिए वो उनके वहाँ पे मेड का काम करती थी। तो सारी इन्फॉर्मेशन गलत थी। उसके रिगार्डिंग आज ये इनकी उसकी रियल सिस्टर है यहाँ पे आई हैं, उन्होंने यहाँ पे अपने नाम से एक कंप्लेंट दोबारा से फाइल की है ऑनर के अगेंस्ट और जिस एजेंट ने उनको यहाँ पे रखा था काम के लिए उनके अगेंस्ट। तो हम लोग प्रशासन से, पुलिस ऑफिशल से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और जिसमें ये लोग जो इतनी दूर से यहाँ के काम कर रहे हैं इन्हें जस्टिस मिले। कुछ बोलना चाहते हैं? जोहार, हमरे आज जाहिर ही सेक्टर 50 कर थाना में और हमरे कर कमला कर्मकार कर बहिन मिलत ऊपर से ऊपर द्वारा एक तो हमरे आज एक यहाँ एफ आई आर दे कि बिना वेरिफिकेशन कर का लेके छोड़ी के राख हैं वो काम में। और ऊपर जे बहुत आज सोशल मीडिया में जो न्यूज़ चले के लाई गई है जो उठो रेंट हाउस में रह गई के, वो रेंट हाउस में नहीं रहे, वो 24 घंटा काम करत रहे हुआ और हुआ रहते रहे मालिक बन संगे। तो इकर मर्डर हो है या का हो है या सुसाइड करे हमरे के ऊपर सच्चाई तक जाएगा है। तो आज हमरे एक तो सब ऑल आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन आसाम आशा आ ही है और इस चीज़ के हमरे साथ में काम करब। और एक हमरे कर संगे एक तो दीदी मिले जो न्याय एनजीओ कर है के ऊपर द्वारा मिल के हमरे ही काम के आगे लेगब और कोशिश करब हमरे जितना सकब इकेर न्याय दिलाए कर लागिन। आदिवासी न्यूज़ टीवी चैनल के ओर से हमीन ई निवेदन करे चाहती राउर साहब मन के जे कृपया बाहर में अपन छड़ी सबके काम करे के लिए नी भेजावा कि ले राउर साहब ई जे रिपोर्ट है रिपोर्ट बा ई वीडियो से जरूर सुने के पारा था जे 24 आवर्स मेट के काम करत रहे माने 24 आवर्स घर के काम करे कस्ते उके राइक रहे। आज जो छोड़ी टू दिल्ली में रहे या वहाँ से आवेक जदि इच्छा कर लो वो एक टू छोड़ी है के आओ एक तो नहीं पारी जा रास्ते राउर साहब से हमें आदिवासी न्यूज़ टीवी चैनल के ओर से हाथ जोड़ के राउर साहब से निवेदन करो थी। राउर साहब ऐसा बाहर में काम करे आस्ते हमने के छोड़ी सबके न्याय भेजावा। और हालांकि जेटा कमला कर्मकार के जे जस्टिस है जस्टिस के आस्ते ही हमीन न्यूज़ वीडियो के राउर साहब मन के दे ही संगे राउर साहब मन के हेठिन हमीन बताए चाहती जे रोशन किसान के सहयोग से ये हम वीडियो क्लिप हमने के मिललक और रोशन किसान के हमीन आदिवासी न्यूज़ टीवी चैनल के ओर से भी धन्यवाद देती राउर ई वीडियो के हमीन के भेजाला और हमने के आदिवासी न्यूज़ टीवी चैनल के दर्शक मन के हमीन देखाए के लिए पारती। तो राउर साहब से हेठुए निवेदन है कि ई जे कमला कर्मकार है कमला कर्मकार के जस्टिस के लागिन वीडियो के जरूर से जरूर शेयर कर देबा। और दिल्ली NCR कमेटी जे आदिवासी छात्र संगठन के जितना भी कार्यकर्ता सब है उस सबन के भी आदिवासी न्यूज़ टीवी चैनल के ओर से हमीन धन्यवाद देती उमन जाए के जी री इन्वेस्टिगेशन के रास्ते एक केस के दे हैं और दे कास्ते। तो आज के ये वीडियो और ये न्यूज़ से मुझे विदाई लेती मैं विक्रम आदिवासी न्यूज़ टीवी चैनल के दर्शक मन के ये समय जे न्यूज़ हमीन देखा थी ये न्यूज़ देखा थी हमें दिल्ली NCR कमेटी के द्वारा।